Hello and welcome back to my YouTube channel. I am Dr. Mohammad Danish और आज का जो विषय है वीडियो बनाने का वो है, जैसे कि हम लोग जानते हैं, आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी सारी टीचिंग के क्षेत्र में वैकेंसीज आ रही हैं, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी वैकेंसीज निकल रही हैं, प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर में भी, और हर लेवल पे, चाहे वो बेसिक लेवल पे हो, प्राइमरी लेवल पे या TGT PGT के लेवल पे, या कॉलेज लेवल पे टीचिंग की बात हो, चाहे वो डिग्री कॉलेज हो या PG कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी लेवल पे हो, तो काफ़ी सारी टीचिंग की वैकेंसीज डे टू डे हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि काफ़ी वैकेंसीज आ रही हैं। अब बहुत सारे बच्चे सवाल करते हैं, और काफ़ी बच्चों का कॉमन सा सवाल है कि हमने अमूमन तौर पर देखा है कि जो भी पढ़ाई की जाती है वो दो मोड से की जाती है, या तो रेगुलर पढ़ाई की जाती है या कुछ कॉलेजेस में प्राइवेट तौर पे पढ़ाई होती है, जैसे कि आपको कॉलेज नहीं जाना होता है लेकिन आप उसमें एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो आपको उसमें रेगुलर की डिग्री नहीं मिलेगी, वो प्राइवेट की डिग्री मिलेगी। उसके अलावा एक तरीका और है, जैसे कि जिसे बोलते हैं डिस्टेंस मोड, पत्राचार। तो काफ़ी लोग इग्नू के थ्रू पढ़ाई करते हैं और पत्राचार के थ्रू अपनी जो है शिक्षा पूरी करते हैं, और यही नहीं, वो इग्नू के अलावा भी बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जो, जैसे आपके कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जो पत्राचार के थ्रू आपको कोर्सेज कराती हैं। ओके, अब सवाल ये खड़ा होता है कि बहुत सारे बच्चे अपना टीचिंग के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं या शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम टीचर बने या लेक्चरर बने या असिस्टेंट प्रोफेसर बने, लेकिन उनका कहीं ना कहीं एक सवाल मन में ये रहता है कि हमने अपनी पढ़ाई जो है पत्राचार से की है, या हमने डिस्टेंस से की है, या हमने प्राइवेट अपना MA MSc किया है, जो भी MCOM किया है, तो क्या हम लोग आगे टीचिंग के क्षेत्र में एलिजिबल हैं, क्या हम BEd कर सकते हैं, क्या हम NET कर सकते हैं, क्या हम PhD कर सकते हैं, या हम पत्राचार की पढ़ाई करके किसी कमीशन को का एग्ज़ाम दे सकते हैं या क्वालिफाई कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। इस तरीके के बहुत सारे सवाल मेरे चैनल पर मुझसे लोग पूछते हैं और मैं उनके जवाब भी उनको देता हूं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए या TGT PhD बनने के लिए एक कॉमन चीज़ तो है कि जैसे आपको मास्टर्स आपने क्या कर रखा हो, जैसे हम PG डिग्री बोलते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स आपने कोई किया हो, जैसे कोई MSc MA MCOM इस तरीके के, MBA हो गया, या जो भी आपने कोर्स और कर रखा हो, MCA वगैरह हो गया, तो उसे आप अगर रेगुलर तरीके से करते हैं, जैसे कि रेगुलर डिग्री होती है, आप कॉलेज जा रहे हैं, आपका रेगुलर एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है, तो वो तो ओपनली सबको पता है कि वो आप अलाव है, आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। उसके अलावा एक प्राइवेट तरीके से भी होता है, इसमें आपके मार्कशीट पे भी और डिग्री पे भी लिखा रहता है कि आप प्राइवेट आपने किया है, आपको कॉलेज नहीं जाना है, और आप उस तरीके से सिर्फ उसमें एग्ज़ाम देते हैं और आपके जो है आपको डिग्री मिल जाती है। उस केस में भी आप TGT PGT वगैरह का एग्ज़ाम दे सकते हैं, BEd भी कर सकते हैं, आप अगर चाहें तो UGC NET भी दे सकते हैं, और आगे आप PhD भी कर सकते हैं, और किसी कमीशन का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। तो ऐसा कोई उसमें सवाल खड़ा नहीं होता कि अगर आप रेगुलर, आपके पास डिग्री नहीं है, प्राइवेट है, तो आप नेट क्वालिफाई नहीं कर सकते या आप PhD नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, ये ज़रूरी है कि आने वाले टाइम में PhD जो है वो रेगुलर मोड में मानी जाती है, यानी कि अगर आपने PhD रेगुलर मोड से की है वो मान ली जाती है असिस्टेंट प्रोफेसर, लेकिन अगर आपने PhD जो है पत्राचार मोड से की है या किसी और तरीके से की है, तो उसको थोड़ा सा इतना वैल्यू नहीं दिया जाता है टीचिंग के सेक्टर में। हो सकता है प्राइवेट कॉलेज एक्सेप्ट कर लें, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज वगैरह में, गवर्नमेंट के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, कमीशन वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं, उसमें वो रेगुलर डिग्री मांगते हैं। लेकिन उसके अलावा जो और डिग्री होती है, जैसे ग्रेजुएशन की डिग्री हो गई, BA BSc BCOM या MA MSc MCOM, वो आप पत्राचार से भी कर सकते हैं और डिस्टेंस मोड से भी, आपका प्राइवेट भी कर सकते हैं, और उसे देने के बाद आप किसी भी कमीशन का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। क्योंकि अभी मैंने काफ़ी बच्चों से बात की और उन्होंने दिया भी है और क्वालिफाई भी किया है, उनका सिलेक्शन भी हुआ है। मेरा एक व्यूअर था, इसके बारे में मैंने पहले ही बताया था, उसने उड़ीसा का कमीशन का एग्ज़ाम दिया और उसकी सारी पढ़ाई जो थी वो पत्राचार से थी, और उसने उसके बावजूद भी नेट GRF दो बार क्वालिफाई किया और उसके बाद उसका फाइनल सिलेक्शन हुआ। तो ये कुछ हमारे सामने एग्जाम्पल्स हैं, और इसके अलावा और भी लोग हैं जिन्होंने पत्राचार से पढ़ाई की और अपना जो है एग्ज़ाम दिए, और PCS वगैरह के जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का एग्ज़ाम है वो अच्छा हुआ, और उनका UPSC का भी उन्होंने क्वालिफाई किया है, और TGT PGT वगैरह भी क्वालिफाई करते हैं। तो सवाल ये है कि कोई भी डाउट वाली चीज़ नहीं बच जाती हमारे पास कि अगर हमने पत्राचार से पढ़ाई की है या हमने प्राइवेट MA किया है तो हम जो है टीचिंग के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल आप आगे बढ़ सकते हैं, कहीं कोई रुकावट नहीं है। आप BEd चाहे BEd कर सकते हैं, TET चाहे TET वगैरह जो भी एग्ज़ाम होता है बेसिक में पढ़ाने के लिए वो आप कर सकते हैं, नेट आप दे सकते हैं, नेट क्वालिफाई करके भी आप आगे जा सकते हैं, और उसी बेस पर आप PhD भी कर सकते हैं, ठीक है। बट
पीएचडी करने की जहाँ तक बात आएगी तो पीएचडी जो है वो आप रेगुलर मोड से करिए, वो ज़्यादा बेटर मानी जाती है। आगे कहीं भी आप किसी कॉम्पिटिशन में देंगे या आप किसी डिग्री कॉलेज में या यूनिवर्सिटी वगैरह में जब सिलेक्शन कमेटी होती है तो वहाँ पर ये साफ साफ लिखा रहता है कि आपकी पीएचडी जो है वो रेगुलर मोड से हो, आपका पीएचडी में ओपन वाइवा हुआ हो, आपकी पीएचडी जो है दो इवेल्यूएटर्स के पास गई हो जिन्होंने इवेल्यूएट किया हो, आपने दो रिसर्च पेपर पब्लिश किए हो, ठीक है, ओपन आपका वाइवा हुआ हो, आपने दो कॉन्फ्रेंस में आपने पेपर प्रेजेंट किए हो, तो इस तरह की कुछ कंडीशंस होती हैं जिनके बेस पे आप जो है पीएचडी करते हैं और आप एक सर्टिफिकेट बनवाते हैं अपने रजिस्ट्रार से, जो कि आजकल आपने देखा होगा हर कमीशन जो ये सर्टिफिकेट मांगता है, यानी कि जिनके पास नेट नहीं है और जिन्होंने 2009 या 2016 के गाइडलाइंस से पीएचडी की है या उसके बाद पीएचडी की है तो उनको ये सब सर्टिफिकेट वगैरह बनवाना रहता है। अदरवाइज कहीं कोई रुकावट नहीं है, आप पत्राचार से पढ़ें या डिस्टेंस मोड से या प्राइवेट करें, यू कैन अप्लाई फॉर टीचिंग सेक्टर एट एनी लेवल, तो किसी तरीके के डाउट की कोई कंडीशन बचती नहीं है। इवन आप पीएचडी भी कर सकते हैं, आप जेआरएफ क्वालिफाई भी कर सकते हैं और आपको फेलोशिप भी मिलेगी। बहुत से बच्चे ये सवाल करते हैं कि हमने प्राइवेट से पढ़ाई की है तो क्या हमें जेआरएफ मिलेगी, क्या हमें फेलोशिप मिलेगी, तो बिल्कुल आपको भी फेलोशिप मिलेगी, जैसे कि एक रेगुलर बंदे को मिलती है जो उसने रेगुलर अपना कोर्स किया है उसको फेलोशिप मिलती है, तो गवर्नमेंट उसे भी फेलोशिप देती है और जो नॉन रेगुलर वाले होते हैं उन्हें भी फेलोशिप देती है। अब बहुत सारे बच्चों के सवाल ये होते हैं कि जब अगर हम पीएचडी ज्वाइन कर लेते हैं तो कितने दिन बाद फेलोशिप मिलती है, क्या हर महीने मिलना शुरू हो जाती है? तो सवाल ये है कि शुरुआत में तो कम से कम 6 महीने लगते हैं, 6 महीने में पूरी प्रोसेस होती है, उस 6 या 7 महीने के बाद आपका इकट्ठा पैसा आता है 6-7 महीने का, ठीक है। एक बार जब वो पैसा आ जाता है और जब वो साइकिल बन जाती है फिर आपके जो आपका मंथली आपके अकाउंट में जो है पैसे आते हैं, ठीक है। तो एक तो चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़, लोग कहते हैं कि सर क्या कोर्स वर्क के बाद से हमें फेलोशिप मिलेगी? तो कोर्स वर्क के बाद से फेलोशिप नहीं मिलती, जिस दिन से आप अपनी पीएचडी ज्वाइन करोगे एक ज्वाइनिंग डेट होती है जिसमें एक ज्वाइनिंग परफॉर्मा होता है जो कि यूजीसी जेआरएफ के अनेक्शर्स वगैरह में लगा होता है, तो एक ज्वाइनिंग रिपोर्ट जाती है, जब आप ज्वाइन करोगे तो वो आप अपनी यूनिवर्सिटी को दोगे, फिर वो यूजीसी सबमिट करके आओगे, तो जिस डेट से आप पीएचडी ज्वाइन करते हो, ठीक है, वो डेट जो है आप उस डेट से आपको, या जिस डेट में आपका जेआरएफ क्वालिफाई हुआ हो, विच एवर इज लेटर, यानी कि अगर आप मानिए जेआरएफ आपका पहले क्वालिफाई हो गया और आपने पीएचडी बाद में ज्वाइन की, तो जिस डेट को आपने पीएचडी ज्वाइन की उस डेट से आपका फेलोशिप मिलना लगेगी। या अगर आप पहले से पीएचडी ज्वाइन कर चुके हैं और आपने जेआरएफ बाद में क्वालिफाई किया है, ठीक है, तो आपको उस डेट से मिलेगी। तो ये कुछ क्लॉजेज हैं जिसके बेस पे आपको फेलोशिप मिलती है, लेकिन पूरी फेलोशिप मिलेगी, 5 साल तक मिलेगी। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके पीएचडी के दौरान गवर्नमेंट जॉब लग गई, तो कुछ बच्चों ने ये भी सवाल किया कि हमारी गवर्नमेंट जॉब लग गई पीएचडी करने के दौरान और अब जो है मैं वो जॉब ज्वाइन कर रहा हूँ तो क्या मुझे फेलोशिप रोकनी पड़ेगी और रोकने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए तरीका ये है कि अगर आप अपनी फेलोशिप रुकवाना चाहते हैं तो उसको आपके लिए एक एप्लीकेशन यूजीसी को देनी होगी जाके वहाँ पर कि भाई मेरी फेलोशिप रोक दी जाए, और मैं उसके लिए आपको अपनी यूनिवर्सिटी में भी एक एप्लीकेशन देनी होगी कि मैं आप फेलोशिप अवेल नहीं करूँगा। तो आपकी फिर जो एक्टिव ड्यूटी जाती है जिसमें बोलते हैं अटेंडेंस, वो अटेंडेंस जाने का क्लॉज जो होता है यूजीसी जेआरएफ का वो खत्म हो जाएगा और आप नोटिफाई कर देंगे कि भाई मेरी जॉब लग गई है और मैं अब फेलोशिप अवेल नहीं करूंगा, तो आप यूजीसी में एप्लीकेशन दे देंगे तो आपकी फेलोशिप बंद हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। और दूसरी चीज़, बहुत से बच्चों ने ये भी सवाल किया कि हमने सर जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया एमएससी के फर्स्ट ईयर में ही, और अभी जेआरएफ की जो कंडीशन वो ये है कि 3 साल का टाइम है उसमें कि आप 3 साल तक जो है स्कोर को यूज़ कर सकते हैं, शायद पहले 2 साल था, अब वो 3 साल हो गया है, ठीक है। तो अब ऐसे केस में जब आपने एमएससी या एमए के फर्स्ट ईयर में क्वालिफाई कर लिया है तो आपके पास टाइम कितना बचता है? तो जाहिर सी बात है कि आपका टाइम तो कम हो गया, क्योंकि वो जिस डेट पे आपका जेआरएफ क्वालिफाई होता है उस डेट से 3 साल माना जाता है, पहले जो कि ये 2 साल हुआ करता था। तो अगर आपने एमए फर्स्ट ईयर में या एमएससी फर्स्ट ईयर में आपने निकाल लिया जेआरएफ, तो 1 साल तो आपका वो कम हो गया जब आप एमएससी फाइनल करोगे, अब बचे 2 साल, तो 2 साल सफिशियंट होते हैं किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए। कोई उसके लिए ये नहीं है कि अगर आपका टाइम निकल जाएगा, आप आराम से अपना जो भी मास्टर्स है वो कंप्लीट करिए और कंप्लीट करने के बाद आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये कुछ सवाल बच्चों ने पूछे कि आप किस तरीके से कर सकते हैं, तो ये मैंने आपको थोड़ा सा दिशा दिखाई। बाकी रही बात टीचिंग में करियर बनाने की, तो अगर आप डिस्टेंस मोड से हैं तो बिल्कुल कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, पत्राचार वाले भी टीचिंग के करियर में आगे जाते हैं, बहुत अच्छा करते हैं और बहुत आगे जाते हैं, तो किसी तरीके का कोई अपने अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस या ये सब चीज़ रखने की जरूरत नहीं है, बहुत ब्राइट फ्यूचर है पत्राचार से पढ़ने वालों के लिए भी। शर्त ये है कि आपके अंदर नॉलेज होना चाहिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकें। बाकी इग्नू की डिग्री भी वैलिड है और रेगुलर आप कहीं से करते हैं डिग्री, वो भी आपकी वैलिड। ओके, तो अगर आपको आज का ये सेशन सही लगा हो, अच्छा लगा हो, तो इसको जरूर लाइक करिएगा,
शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल दानिश करी काउंसलिंग, और जुड़े रहिए, बने रहिए मेरे साथ। और किसी तरीके की भी काउंसलिंग के लिए आप मुझसे मेरी पेड सर्विस ले सकते हैं, जिसकी डिटेल मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उसके थ्रू आप मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं। मेरी एक नॉमिनल सी फीस है, जिसके थ्रू आप मुझसे जुड़ सकते हैं। उसके अलावा अगर आप पीएचडी रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहते हैं, उसके लिए आप मुझसे अलग से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या इंटरव्यू की प्रिपरेशन वगैरह के लिए, या जो भी पेरेंट्स मेरी वीडियो देख रहे हैं अगर वो किसी तरीके की काउंसलिंग कराना चाहते हैं करियर के रिगार्डिंग अपने बच्चे की, या आप लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप मुझसे रब्ता कायम कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।